हेलो स्टूडेंट्स, अपन लास्ट क्लास में 7.1 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 6 तक कर लिए थे। एग्जांपल नंबर 6 वापस बताना। ओके, एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा। एलएचएस है आपके पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये है आपके पास LHS। ये है सबसे पहला काम होता है, साइन कोस में चेंज करो। स्टूडेंट्स, साइन कोस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट अपन एलसीएम लेंगे क्योंकि पहले से ही क्या है आपका साइन कोस में है। मैंने एलसीएम लिया, 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कैंसिल होगा, साइन थीटा से गुणा होगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। साइन से साइन कैंसिल होगा, 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 cos थीटा, नीचे 1 प्लस cos थीटा sin थीटा, 1 प्लस 1 2 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे तो 1 बचेगा और यहां पे cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 अपॉन sin थीटा 2, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 into 1 कितना हो गया 2, अरे 2 into 1 वापस 2 हो जाएगा। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, 2 तो बाहर, 1 अपॉन sin क्या हो जाएगा cos थीटा, और यही क्या आपका IHS। ऐसे तो करवाया होगा मैंने, कल एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि अपन आगे चले। ये सपना बेटा टाइम पे क्लास में आया करो, मैं लेट हो जाऊं उसकी चिंता मत किया करो, आप लेट मत हुआ करो, ठीक है। मैं लेट हो जाऊं क्लास में उसकी चिंता मत किया करो, आप लेट मत हुआ करो। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, LHS मैंने लिख दी है। ऊपर देखिए सबसे पहला काम होता है साइन कोस में चेंज करो, इसमें बदलो साइन कोस में, ठीक है। देखिए साइन कोस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ऊपर साइन कॉमन आ रहा है नीचे कोस कॉमन आ रहा है, ऊपर साइन कॉमन आ रहा है नीचे, देखिए साइन कोस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो पहला काम तो होता है साइन कोस में एलसीएम लेते, दूसरा काम होता है एलसीएम लेते। अब तीसरा काम होता है या तो कोई फॉर्मूला लगेगा या कुछ कॉमन आएगा, ऊपर साइन थीटा कॉमन आ गया, साइन कॉमन आ गया, बन बचेगा यहां पे साइन की घात 3 है, अब कितने बचे, एक साइन बाहर आ गया,
और साइन स्क्वायर बन जाएगा। कॉस थीटा को बढ़ाना दो, कॉस थीटा तीन है, कॉस स्क्वायर बन जाएगा माइनस का। साइन अपॉन कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। आपको आरएचएस में टेन ही लाना है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। तो आरएचएस में टेन ही लाना है। लेकिन जब घर वालों से पिटाई होगी तब जीरो नहीं 100% इसको काटना है। वन आना चाहिए स्टूडेंट्स ने, ऊपर वाले को चेंज नहीं करना। 1-2 sin स्क्वायर थीटा इसको चेंज नहीं करना, तो नीचे वाले को चेंज करना। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको ऐसे रख सकते हैं, ऊपर वाले को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स तू ऐसा था ऐसा cos स्क्वायर लिख सकता हूं, 1-2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। cos स्क्वायर तो 1-2 sin स्क्वायर और ये माइनस का पहले से था। tan थीटा आपका बाहर है, 1-2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2-2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 sin स्क्वायर थीटा और लास्ट में माइनस है। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया और लास्ट में ये बच गया। स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा, tan थीटा 1-2 sin स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, -2 sin स्क्वायर थीटा ये इससे कट गया और क्या बचा? tan थीटा। और वो ही क्या आपकी RHS स्टूडेंट्स, वो ही क्या आपकी RHS एग्जांपल नंबर 7 हो गया है। 8 वाला बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 का LHS 1 sec a upon sec a। पहला काम क्या होता है? साइन कॉस में बदल लो, 1 sec a को बदल लो 1 upon cos a और 1 upon cos b। पहला काम होता है साइन कॉस में बदल लो। अब ऊपर साइन कॉस में बदलने के बाद लघुतम आएगा, ऊपर लघुतम आ रहा है cos a, ऊपर लघुतम आ रहा है cos a, cos a एक से गुणा होगा cos a आएगा प्लस 1, नीचे 1/cos a। स्टूडेंट्स इसके नीचे cos a है, इसके नीचे cos a, बड़े बड़े से नीचे वाली चीज पलटी मारती है, घूमती है, लेकिन अपन इसको घुमाएंगे नहीं, इसको अपन घुमाएंगे नहीं, इसको अपन ऐसे घुमाएंगे नहीं, अपन इसको डायरेक्टली काट सकते हैं। दूसरे नंबर वाली और चौथे नंबर वाली डायरेक्ट भी काट सकते हो, या फिर इसको घुमाओगे तब भी कट जाएगा। अपन घुमाने का काम छोड़ो, अब बहुत कर लिया घुमाना घुमाना, अब दूसरे नंबर वाली को चौथे नंबर वाली से डायरेक्ट बना दो, मतलब इस cos a से cos a कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर cos a plus का 1 और नीचे बचेगा, यानी नीचे 1 बचेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 plus cos a, 1 को पहले cos a को बाद में, तो ये 1 plus cos a आ गया। अब देखिए आपका जो आंसर आ रहा है वो 1 plus cos a नहीं आ रहा है, आपका जो आंसर आ रहा है वो 1 plus cos a नहीं आ रहा है, और कुछ आ रहा है। ऊपर तो sin स्क्वायर a आ रहा है, नीचे 1 minus cos a आ रहा है। अब ये कैसे लाए सर, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, ऐसे कैसे लिया हो गया? देखिए कैसे लाएंगे इसको, 1 plus cos a ये आपके पास था, मैं ऊपर 1 minus cos a और नीचे 1 minus cos a,
माइनस कोस ए और नीचे भी वन माइनस कोस ए। एक चाटा मारा मैंने इधर तो झटका लगा, दूसरा इधर मारा तो जीरो हो गए, जीरो न्यूट्रल हो गए। एक चाटा यहाँ मारा एक यहाँ मारा, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसको वापस काट दोगे तो ये आ जाएगा। अगर आपने काट दिया तो फिर लिखाई क्यों, अगर आपने काट दिया तो फिर लिखाई क्यों। इसको क्या बोलते हैं जब प्लस एंड माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं परिमेयीकरण करने का। क्या किया आपने, परिमेयीकरण इधर लिख लेते ना, मतलब ये परिमेयीकरण। क्या कर दिया, परिमेयीकरण। अब ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वन माइनस कॉस, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस ए, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये भी आपका आर एच एस है, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। ये भी आपको सिद्ध करना। सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चलें। ओके एग्जाम्पल नंबर आपका 9, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं एनएचएस लेके चल रहा हूं, कोस की घात 4 थीटा साइन की घात 4 थीटा। ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 था, ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 था, ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 था, 20 था कि 22 था, ऐसे तीन क्वेश्चंस पढ़े थे अपन ने, वैसा ही ये क्वेश्चन था। वहां पे अपन ने इसको कैसे लिखा था, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर, वहां पर प्लस था तो वहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ रहे थे और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे तो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार तो प्लस में आएगा एक बार माइनस में, a की जगह कोस स्क्वायर, b की जगह साइन स्क्वायर, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा a प्लस b और a माइनस बी। फॉर्मूला कौन सा काम आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 5। और देखिए ये आया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, आपका जो RHS आ रहा है उसमें sin आ रहा है cos नहीं आ रहा, आपके RHS में sin आ रहा है कॉस नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे साइन ही आ रहा है। इस कोस को हटाना पड़ेगा, इस कोस को हटाना पड़ेगा, इस कोस को, तो कोस स्क्वायर को क्या ले सकता हूँ मैं, वन माइनस साइन स्क्वायर। इस कोस स्क्वायर को निकाल वन माइनस साइन स्क्वायर, क्यों, क्योंकि साइन ही आ रहा है कॉस नहीं आ रहा है, माइनस का साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपका क्या है RHS, अतः है LHS बराबर RHS।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड प्रूफ। ये कौन सा एग्जांपल था? 9 वाला। एग्जांपल नंबर 10 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर जो आपका 10 है उसमें कंडीशन दी हुई है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू पी है तथा sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू क्यू है। तो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए क्यू पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्यू पी। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 29 वाला 29 नंबर वाला क्वेश्चन 7.1 का 29 नंबर वाला क्वेश्चन था। 7.1 का 29 नंबर वाला क्वेश्चन था, वहां पे भी ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, अपन LHS लेके चलेंगे क्यू पी स्क्वायर माइनस वन। क्यू की वैल्यू बोलो sec थीटा प्लस cosec थीटा। पी की वैल्यू बोलो sin थीटा प्लस cos थीटा और पूरे का स्क्वायर माइनस वन। इस q की वैल्यू sec प्लस cosec, p की वैल्यू sin प्लस cos, लेकिन p स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस वन। अब देखो इसको चेंज कर दो, वन अपॉन cos थीटा, वन अपॉन sin थीटा। इसको तो मैंने चेंज कर दिया, अब यहाँ पे आ जाओ a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका काम हो गया है और माइनस का 1। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम आ रहा है, कॉस से कॉस हटेगा, साइन थीटा साइन से साइन कटेगा कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1। इस 1 से 1 कट जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चलें। ओके, अब देखो ये तो ऐसा था ऐसा, और यहां पे वन से वन कट गया, क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा। अब 2 ऐसा का ऐसा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, 2 ऐसा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये आ गया। इस ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, p की वैल्यू है, तो 2p हो गया इक्वल में RHS, अतः है LHS बराबर RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 11।
एग्जाम्पल नंबर 11 का जो एनएचएस है वो है कोट ए प्लस कोसेक, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का वन। ये है एग्जाम्पल। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको करना क्या है। देखिए पहला काम होता है एलएचएस लिखने के बाद साइन कोस में बदल दो। पहला काम होता है कि एलएचएस लिखने के बाद साइन कोस में बदल दो, साइन कोस में बदल दो। लेकिन यहां पे साइन कोस में नहीं बदलेंगे। अगर आपने गलती से साइन कोस में बदल दिया इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में एलएचएस लिख दिया आपने और आप इसको साइन कॉस में बदल दिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो फिर क्या करें साहब, इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा रीअरेंज करेंगे। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, कॉट ए इसको बिना साइन कॉस में बदले फर्स्ट आंसर आएगा इसका, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इसमें जो वन है इस वाले वन को देखिए मैं क्या लिखा हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ओनली मैं इस वन को चेंज कर रहा हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, बस इतना सा ध्यान रखें। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सारा संहिता होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। यहां पे लिख देना क्योंकि cosec square a minus cot square a equal to होता है 1। ये है। अगर आपने नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है, नीचे सर्वसमेका नहीं लगानी है, बस ये ध्यान रखें। ऊपर इस वन की जगह, इस वन की जगह ये सर्वसमेका लगाएंगे, नीचे वन की जगह सर्वसमेका नहीं लगाएंगे, आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे। ये आपका वन है तो वन ऐसा रहेगा, इस वन को कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए सर्वसमेका नहीं लगाएंगे, ऊपर ही लगाएंगे बस इस वन की जगह ये, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। स्टूडेंट्स इसके बाद क्या है, अब देखिए cot a plus cosec a square minus b square, एक बार तो आएगा प्लस में और एक बार आएगा माइनस में। ठीक है, और नीचे आ गया बट्टा cot a माइनस कोसेक ए प्लस का वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो आ गया प्लस में, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इस बॉक्स में और इस पूरे में, इसमें और इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, कोट ए प्लस कोसेक। देखो यहां पे ये कॉमन आ रहा है, यहां पे ये कॉमन आ रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ, मैं कॉमन ले रहा हूं cot a plus cosec a, कंप्लीट में कॉमन ले रहा हूं मैं। कहने का मतलब यहां पे ये कॉमन आ गया तो इस पूरे की जगह तो बचा वन, वन बचेगा, फिर माइनस का चिन्ह है, ये बाहर कॉमन आ गया है, बाहर कॉमन आ गया है, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला बाहर कौन, देखो कोटे पहले है कोसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोटे बाद में इसमें पहले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाहर कॉमन आ गया तो ये बच गया, क्या बचा, कोसे ए माइनस कोट ए, और नीचे है कोट ए माइनस कोसे ए प्लस cot a plus cosec a,
वन माइनस को अंदर गुणा कर दो, ये तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में। वन को लिखो पहले, देखो जैसे ये है वैसे नीचे वाले को अरेंज कर रहा हूं, जैसे ये है नीचे वाले को वैसे लिख रहा हूं। इसमें वन पहले है तो वन प्लस का पहले आओ, ये प्लस का वन तो पहले, फिर माइनस का कोस ए तो इसमें भी माइनस का कोस ए, फिर प्लस का कोटे तो इसमें भी प्लस का कोटे, इससे ये कट गया पूरा, ये पूरा बॉक्स, इस पूरे बॉक्स से क्या हो गया कट गया, इस पूरे बॉक्स से पूरा बॉक्स से कट गया, क्या बचा cot a plus cos a। अब cot a क्या होता है, cot a क्या होता है cos a upon sin a, cos a क्या होता है 1 upon sin a, sin a लघुतम आएगा, sin a से sin a कटेगा, cos a आएगा, इससे a कटेगा plus 1 आएगा, ठीक है। वन को पहले लिख दो, कॉस ए को बाद में लिख दो, और यही आपका क्या है आरएचएस है। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लें एक बार इसका, ताकि अपन आगे चलें। डन, ओके। सभी स्टूडेंट्स की जितना पढ़ाया आज वो सारा समझ आ गया, बताइएगा सारा समझ में आ गया, यस और नो, सारा समझ में आ गया, ओके। किरण यादव यस सर, चेतन अंकिता यस। तो बेटा मैंने जितना पढ़ाया उतना कॉपी में काम कर लिया आप लोग, और 7.1 एक्सरसाइज की और आपकी जो एग्जांपल्स हैं उनके सभी प्रैक्टिस कर लें बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा वो 7.1 का लूंगा और एग्जांपल्स का लूंगा पहले। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही काफी है, थैंक यू।